हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद फारा। गाइस, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ ये है कि घर पे बच्चों से इंग्लिश में कैसे बात करें। आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे कमेंट में लिखा कि मैम प्लीज़ ऐसे सेंटेंसेस बताइए ताकि हम लोग बच्चों से इंग्लिश में बात कर सकें। और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना है और बच्चे घर पर हैं, तो क्यों ना उनको इंग्लिश सिखाया जाए, इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, क्या क्या ईजी सेंटेंसेज हैं, वो मैं सब लेकर आई हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ आप इसको देखें और प्रैक्टिस करें। सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज डोंट डू दिस। अगर बच्चा मान लीजिए कुछ काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, गंदगी फैला रहा है, तो आप बोलिए डोंट डू दिस, इसे मत करो। वाई आर यू डूइंग दिस? अगर वो तब भी कर रहा है तो आप उससे पूछिए वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? Why are you doing this? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? Don't litter, do not litter, यानी कि कूड़ा इधर उधर मत फेंको, गंदगी मत करो। Don't litter, कूड़ा इधर उधर मत फेंको। Don't drag your feet, यानी कि पैर घसीट कर मत चलो। अब छोटा बच्चा है या फिर थोड़ा बड़ा भी बच्चा हो तो अगर वो drag घसीट के चल रहा है तो आप बोले कि don't drag your feet। Fold your sleeves, अपनी आस्तीन मोड़ो, अपनी आस्तीन फोल्ड करो। फोल्ड योर स्लीव्स, अपनी आस्तीन मोड़ो। डोंट प्ले इन वाटर, बच्चे को पानी में खेलना बहुत पसंद है तो आप उससे इंग्लिश में बोलिए कि डोंट प्ले इन वाटर, बेबी डोंट प्ले इन वाटर, यानी कि पानी में मत खेलो। यू विल गेट कफ एंड कोल्ड, तुम्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा। कफ यानी कि खांसी और कोल्ड सर्दी। यू विल गेट कफ एंड कोल्ड। डोंट बी स्टबन, बच्चे तब भी नहीं मानते हैं और वो करते रहते हैं तो आप बोलिए डोंट बी स्टबन, यानी कि ज़िद्दी मत बनो। डोंट बी स्टबन, ज़िद्दी मत बनो। वाई योर ड्रेस इज सॉइल्ड, तुम्हारी ड्रेस गंदी कैसे हो गई? वाई योर ड्रेस इज सॉइल्ड, गंदी क्यों है, कैसे हो गई? तो सॉइल्ड यानी कि गंदा। टेक ऑफ़ योर ड्रेस, अब बच्चे को कपड़े बदलवाना है तो आप उनसे बोलिए टेक ऑफ योर ड्रेस, यानी कि अपने कपड़े उतारो। टेक ऑफ योर ड्रेस। पुट ऑन शर्ट, अब बच्चे को पहनाना है तो उसको पुट ऑन होगा, पुट ऑन या फिर वेयर ऑन। पुट ऑन शर्ट, वेयर ऑन शर्ट, यानी कि शर्ट को पहनो। इट्स हैंगिंग, वो टंगी है, मतलब वो टंगी है, जाकर उसको पहनो। इट्स हैंगिंग, वो टंगी है। द नेक्स्ट इज फोल्ड योर स्लीव्स, अब शर्ट है, वो शर्ट पहना है तो शर्ट की आस्तीन मोड़ो, तो फोल्ड योर स्लीव्स। और ये सेंटेंस रिपीट हो गया है तब भी मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। फोल्ड योर स्लीव्स, टक इन योर शर्ट, अगर शर्ट को अंदर करना है तो टक इन योर शर्ट, यानी कि शर्ट अंदर करो। टक इन योर शर्ट, अपनी शर्ट को अंदर करो। सिट प्रॉपरली, ठीक से बैठो, अच्छे से बैठो। सिट प्रॉपरली, अच्छे से बैठो। डोंट गो आउट, डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। वेयर इज द अदर पेयर ऑफ सॉक्स, वेयर इज द अदर पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब कि दूसरे पैर का मोजा कहाँ है। टेक इट आउट फ्रॉम अलमीरा, अलमारी से इसे निकालो। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे मेरा बच्चा कर रहा है, अब जाके अलमीरा से वो मोजे निकाल रहा है। टेक इट आउट फ्रॉम अलमीरा। नाइफ इज टू शार्प, नाइफ इज टू शार्प, यानी कि बहुत, नाइफ इज टू शार्प यानी कि बहुत शार्प है नाइफ। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। टच छूना, डोंट टच इट, इसे मत छुओ। You may get hurt, तुम्हें चोट लग सकती है। You may get hurt, ये सब सेंटेंसेस मैं घर पर प्रैक्टिस करती हूँ और मेरे बच्चे को इंग्लिश आ गई है और हिंदी तो उसे कुछ भी नहीं समझ में आती है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। पुट इट बैक इन द किचन, इसे किचन में वापस रखो। पुट इट बैक यानी कि वापस रखना, इन द किचन, किचन में। डोंट बी इन हरी, जल्दी में मत रहो, हरी यानी कि जल्दी। Don't be in hurry, जल्दी में मत रहो। That's like a good boy या फिर that's like a good girl, ये हुई ना बात।
जैसे मम्मी और पापा लोग बहुत खुश हो जाते हैं, डैट्स लाइक माई गर्ल, या फिर डैट्स लाइक माई बॉय. कीप अप द गुड वर्क, अच्छे काम करते रहो, कंटिन्यू करो. कीप अप द गुड वर्क यानी कि अच्छे काम करते रहो, ये शाबाशी देना होता है बच्चे अगर कहना मान गए तो. तो गाइज ये था बहुत ही छोटा सा वीडियो, आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे व्यूज़ मिले और मैं आपके लिए रोज़ नए वीडियो लेके आ सकूँ. तो गाइज देखने के लिए, पूरा देखने के लिए थैंक्स अ लॉट.